एक बार गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। वाइब्रेशंस अंदर कहीं पर भी नहीं है। तो अगर एसी की बात करें तो एसी भी अच्छा खासा है। बूट स्पेस की बात करें, यहाँ आप देख सकते हो, तो बूट कुछ इसका आता है आपको 300 लीटर्स के आसपास, 270। तो आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखा रहा हूँ ना भाई, 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भाई ये गाड़ी देती है। और ये सच में जो है ये प्रूवन है, ठीक है। प्रूवन कैसे है भाई, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना भाई, मारुति के नाक में दम करके रख दिया था भाई। ऑल्टो की भी क्लेम्ड माइलेज जो थी ना इतनी नहीं थी, और इंडियंस को यही चीज़ पसंद आई थी, इसका एसयूवी वाला स्टांस, ठीक है। ऑल्टो के मोस्टली जो मतलब जितने भी कस्टमर्स थे ना, हर एक कस्टमर को जो है इस गाड़ी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। क्यों? अपनी लुक्स, अपनी माइलेज, ठीक है, और स्पेशली अपने फीचर्स के कारण। जी हाँ भाई, क्विड भाई ऐसी गाड़ी थी जिसने बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करा 2015 में जब लॉन्च हुई थी, और आज भी जो है ये बिक रही है। बस अभी आकर के इसकी जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी कम हो चुकी हैं, 1500 यूनिट्स पर मंथ जो हैं इसकी पिछले 1-2 महीने से बिक रही हैं, लेकिन वो अब यही है कि सेमी कंडक्टर चिप की वजह से है या इसकी डिमांड कम हो चुकी है, वही है। तो देखते हैं भाई, आज इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, हर एक चीज़ प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा, खुद बैठ करके देख करके खुद बताऊँगा भाई, ये हर एक चीज़ जो मेन चीज़ है ना भाई, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी आप लोग सामने देख रहे हो द ऑल न्यू, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, है तो पुरानी है बट फिर भी अभी भी जो है इसकी लुक्स जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, ठीक है, इसीलिए मेरे मुंह से जो है ऑल न्यू वर्ड निकला है। तो ये है इस टाइम सामने क्विड है, ठीक है, क्विड का RXL वेरियंट है। तो जब गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो नॉर्म्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, वो मैंडेटरी करे थे, तो जो 2 एयरबैग्स हैं, ठीक है, 2 एयरबैग्स गाड़ी के बेस मॉडल में भी हर एक कंपनी ने जो है मैंडेटरी कर दिए थे, तो वैसे ही क्विड के जो बेस वेरियंट्स थे, ठीक है, वो कर दिए गए थे डिसकंटिन्यू, क्योंकि जो बेस वेरियंट्स हैं उनमें तो जो 2 एयरबैग्स हैं वो दे नहीं सकते थे। तो फिलहाल अब जो है क्विड के बेस वेरियंट्स ही आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। तो फिलहाल अभी इस टाइम है हमारे पास सामने RXL वेरियंट, ठीक है, क्विड का 800 cc में ये है, और साथ में इसके लगी है क्लाइंबर उस साइड पर। तो फिलहाल 800 cc का है, ठीक है, RXL, तो 5 लाख के अंदर अंदर, ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस, और 540 के आसपास ये जो है आपको ऑन रोड पड़ जाती है। सबसे पहली बात, इसका डिज़ाइन, इसकी लुक्स, चाहे आप कुछ भी कह लो, लुक्स कह लो, डिज़ाइन कह लो, ये एक ऐसी गाड़ी है ना, मतलब एंट्री लेवल सेगमेंट में कंपनी ने इसको लॉन्च करा था, लेकिन ऐसा फील ही नहीं होता कि एक एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी है। ऑल्टो को कम्पीट करने के लिए लॉन्च करा था, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता यार कि ये जो गाड़ी है भाई, ये ऑल्टो को कम्पीट करने के लिए खड़ी है। ऐसा लगता है कि मतलब ऑल्टो से भी एक सेगमेंट जो ऊपर की गाड़ी है उसके साथ जो है ये कम्पीट करती है। मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊं, स्टार्टिंग में इसका कंपैरिजन टियागो, वैगनार जैसी गाड़ियों के साथ किया जाता था, और अब जो इसकी लुक्स इतनी एनहांस कर दी है भाई रेनो वालों ने, तो कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है आपको एक अप सेगमेंट जो है वो फील आपको देगी, ठीक है। लुक्स देखो भाई, हेडलैम्प्स, ठीक है, हेडलैम्प्स का थ्रो इसका इतना ज़्यादा अच्छा है ना, ड्राइवर से भी ज़्यादा अच्छा थ्रो इसके हेडलैम्प्स का है। ऊपर LED DRLs, उसके नीचे हेडलैम्प्स, फिर पीछे जो है पीछे आपको मिल जाते हैं टेल लैम्प्स, मतलब टेल लैम्प्स भी LED हैं। तो इस सेगमेंट में ये फीचर्स कोई नहीं देता भाई, टियागो जैसी गाड़ी भी ये फीचर्स नहीं देती, खुद सोचो, जबकि वो मानी जाती है इससे ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी है। और फिर ड्राइवेबिलिटी के बारे में बात करें भाई, ड्राइवेबिलिटी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, इवन ऑल्टो से अच्छी है, कहीं ना कहीं मुझे टियागो से भी अच्छी लगती है इसकी ड्राइवेबिलिटी। तो भाई ये है क्विड का इंटीरियर, ठीक है, कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, एक स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील, ठीक है, साथ में आपको जो है यहाँ पे एसी मिल जाता है, और उसके साथ आपको 2D जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है। तो 800 cc का जो है ये वेरियंट है, यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल में गियर बॉक्स और साथ में हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है। अब मुझे सबसे अच्छी क्या चीज़ लग रही है इसमें, स्पेस काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है इस गाड़ी में। और क्वालिटी वाइज में अगर बात करूँ तो भाई लोग इसको क्वालिटी के मामले में बहुत गंदा कहते हैं, लेकिन मुझे जो है क्वालिटी वाइज भी ये जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इस टाइम पे। तो फिलहाल अब हम बात करें जो आपको इसमें फ़ीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स, ठीक है, फ्रंट 2 और जो लास्ट 2 पावर विंडोज़ हैं वो आपको पावर विंडो नहीं मिलती, वो आपको मिलती हैं मैनुअल ही मिलती हैं। तो अब एक बार जो है यहाँ पे गाड़ी को बंद करके देखते हैं, तो ये इसको किया बंद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है थर्ड है इसकी, ठीक है, क्विड की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थर्ड जो है मेरे को लगी है यहाँ पे। और गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ड्राइवर जैसे ही आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है, और जो कि ऑरेंज कलर में आपको इस टाइम पे यहाँ मिलता है। तो पहले करते हैं विंडोज़ ऊपर,
एक बार गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो ऐसा कुछ नॉइज़ है, ठीक है। तो 800 cc की बात करूँ तो भाई नॉइज़ मुझे ठीक ठाक फील हो रही है, वाइब्रेशंस अंदर कहीं पर भी नहीं है। तो अगर एसी की बात करें तो एसी भी अच्छा खासा है, ठीक है, कूलिंग दे रहा है। 800 cc के हिसाब से काफ़ी अच्छा इसका जो है एसी है यहाँ पे देखा जाए तो। और गियर शिफ्टिंग की बात करें काफ़ी सही है, गियर शिफ्टिंग भी ठीक है। 800 cc जो है मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो भाई 800 cc के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। तो फिलहाल पहले इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, चीज़ देख लो, जॉयस्टिक्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। आपको जो है गेम्स के कोई कंट्रोल नहीं मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते हैं। अब पीछे की स्पेस की बात करें तो सीट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पीछे है, ठीक है। और उसके बाद तो भाई सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है पिछली, मैं आराम से बैठ चुका हूँ, और दो एडल्ट्स और एक बच्चा जो है यहाँ पे आराम से बैठ जाएगा। आगे से कुछ इस टाइप का इस डैशबोर्ड का लुक आता है, तो भाई गाड़ी तो क्विड काफ़ी ज़्यादा सही। तो अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें, यहाँ आप देख सकते हो, तो बूट कुछ इसका आता है आपको 300 लीटर्स के आसपास, 279 लीटर्स टू बी प्रिसाइज। तो भाई स्पेस के नाम पे तो बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। क्वालिटी वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे क्वालिटी हर एक चीज़ की सही दिख रही है। हालांकि लाइट वेट कार है बट फिर भी ऑल्टो को बहुत अच्छे से कम्पीट करती है, और ऑल्टो से हर एक चीज़ में ना एक स्टेप ऊपर है यार ये गाड़ी, हर एक चीज़ में ऊपर है गाड़ी है। तो फिलहाल यही था गाइज इस वीडियो में कुछ, ठीक है, छोटी सी वीडियो क्विड RXL की, जल्दी इसको हम चला करके भी देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।